डिपार्चर है वो, और यहाँ से आपका एग्जिट है डोमेस्टिक का। फ्लाइट का टिकट मुझे पड़ा भाई, ये पड़ा केवल 360 रुपए का, इन बेस्ट है, उसमें कम से कम चैन तो खींच लो, मम्मी पापा को बैठ के मैं घुमा पाऊँ अपने पैसों से। तो सब क्या, सब स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए और स्वस्थ हो गए और बहुत अच्छा कर रहे हो गए। ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं अपनी लाइफ की पहली फ्लाइट की जर्नी करने वाला हूँ, और अभी मैं हूँ होटल अमर के अंदर जो कि आपका आगरा में आता है, और यहाँ से मेरी जो फ्लाइट है वो है 3:15 की शायद फ्लाइट है लखनऊ की। मैंने दोनों जो एयरपोर्ट चूज करे थोड़े छोटे छोटे एयरपोर्ट चूज करे, क्योंकि अगर मैं सीधा दिल्ली से चूज कर लेता तो पहली बार में क्या पता कुछ चीज समझ में नहीं आती। तो अभी मैंने अभी कितने बज रहे हैं, तो अभी 12:30 का टाइम हो रहा है, और ओला से मैं जो है कैब बुक करूंगा अभी 5-10 मिनट के अंदर, कैब आएगी उसके बाद हम चलते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, अभी जब मैं ताजमहल के लिए मैंने कैब बुक किए थे ना, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने रुपए आप लेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप अगर ओला से करेंगे तो 180-200 रुपए आपका आएगा जहाँ पे आप अभी स्टे कर रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन मत करना क्योंकि ऑनलाइन करोगे तो आपका ना काफी लोग कैंसिल कर देते हैं राइड, आप मेरे को 600 रुपए दो और मैं आपको पहुँचा दूंगा। फिर मैंने यहाँ पे बात किया होटल वाले से, तो ये 3-स्टार होटल है तो बोल रहे हैं नहीं नहीं हम तो 900 रुपए लेंगे, तो इससे अच्छा मैं ओला का ही कर रहा हूँ, 180 या 182 ऐसे कुछ रुपए दिखा रहा है। तो बने रहिए जर्नी में, देखते हैं। और ये रहा बैग, सिर्फ एक बैग मेरे पास है, लगेज वाला जो बैग होता है ना वो नहीं है, इसी मैंने सब कुछ एडजस्ट कर लिया है। और मम्मी ने बोला था पेठा लेने के लिए तो पेठा भी ले लिया है, 2 आधे किलो के पेठे लिए हैं, और थोड़ा बैग भारी हो गया लेकिन 7-8 किलो से तो कम ही होगा। और हाँ, होटल का मैं आपको दिखाता हूँ, तो होटल ये है होटल अमर, और ये इसका इंस्टाग्राम पेज है, और होटल तो मतलब काफ़ी अच्छा है, 3-स्टार होटल है, सब सुविधाएं वगैरह भी हैं, बुफे वगैरह भी रहता है, सब अच्छा होटल है। तो भाई लोगों, मैं आ गया हूँ आगरा एयरपोर्ट पे, और जैसा आप देख सकते हैं ये है इसके पीछे एंट्री, और ये है बस खड़ी हुई यहाँ पे। ये हिसाब है कि जो कैब या जो बाइक या जो भी कार वगैरह से आ रहा है ना वो यहीं पे उतर जाते हैं, और यहाँ पे उसके बाद ये बस जो है ये बस अंदर लेके जाती है, एंट्री नहीं कर सकता कोई भी। जैसे दिल्ली वगैरह में आपने देखा है ना, किसी से कैब छोड़ती है उसके बाद फिर अंदर चले जाते हैं, ऐसा नहीं है, इन बस में बैठो और हर 10 मिनट पे निकलती रहती हैं, उससे फिर आप अंदर जाएंगे। मैंने अभी जो आपके जवान खड़े होते हैं ना उनसे पूछा, तो जैसा आपने लास्ट क्लिप में देखा जो मेरे पीछे बस खड़ी थी उसमें कुछ पुलिसकर्मी और इंडिगो के स्टाफ थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो शूट करते हुए देख लिया और फिर थोड़ा पूछताछ किया, और इस वीडियो में मैं उसी के बारे में आप लोगों को बता रहा था, बट ऑडियो साफ नहीं आया इस क्लिप में इसलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। Fasten your seatbelt by inserting the metal tip into the nut.
ध्यान दीजिए, मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने तीव्र साइंस ऑन रखे हैं। आप सभी से निवेदन, अपने स्थान पर ही बैठे रहें, सुरक्षा के लिए कुर्सी की पीठी बांधे रखें। धन्यवाद। फ़्लाइट अभी ऑन टाइम लैंड करी है और जैसी एंट्री होती है ना, तो एंट्री के बाद वॉशरूम बने हुए हैं और बेल्ट लगी हुई है। तो भैया लिटरली मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि लिटरली फट चुकी है भाई, लिटरली बोलना नहीं चाहिए लेकिन लिटरली फट चुकी है। और समझ में नहीं आ रहा, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे टर्बुलेंस का नहीं क्या क्या था यार उसमें। ये रहा लखनऊ का डोमेस्टिक एयरपोर्ट, ये यहाँ से आपका डिपार्चर है और यहाँ से अराइवल। एयरपोर्ट के जस्ट सामने आपको ये मेट्रो स्टेशन दिख जाएगा और ये है आपका जो डिपार्चर है वो, और यहाँ से आपका एग्जिट है डोमेस्टिक का, और इंटरनेशनल जो है वो उसके थोड़ा आगे है। तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया है, थोड़ा छोटा है लेकिन हाँ बहुत अच्छा मेंटेन है। तो ये था मेरा पूरा फ्लाइट का एक्सपीरियंस जो मैंने पहली बार फ़्लाइट में सफ़र किया उसका, और ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया तो थोड़ी बहुत ही क्लिप्स जो है मैंने शूट करके वो एडिट करके डाली हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मिस हो गई जो बहुत ज़रूरी है, वो मैं आप बताने का आपको कोशिश करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि वीडियो शूट करते करते एयरपोर्ट पर पुलिस वालों ने पकड़ लिया। दूसरा, इसमें एयरपोर्ट से पहले आगरा के जो कैब वाले हैं उन्होंने स्कैम करने का ट्राई किया। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। तो पहले क्या हुआ कि मैं होटल अमर में रुका था, रात में मैंने वहीं स्टे किया। अगले दिन मैं सुबह उठा अराउंड 9 बजे के आसपास, मैंने ओला से कैब बुक किया, तो ताजमहल के लिए कैब बुक किया था। तो कैब वाले भैया आए, उनसे रास्ते में ऐसी बात होते होते जा रही थी, ऐसे सभी कैब वाले करते हैं, तो पूछ रहे कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे। तो मैंने सब बताया उन्हें, तो कह रहे हैं कि आप अगर एयरपोर्ट आपको जाना है ना, तो एयरपोर्ट में क्या होगा कि जो ओला वाले हैं ये काफ़ी बार राइड आपकी कैंसिल कर देते हैं, तो क्योंकि वो आउटर में है, वहाँ से खाली सवारी मिलती नहीं है, मतलब खाली आना पड़ता है। तो मैंने बात किया, मैंने कहा भैया फिर आप ही ले चलो ऑफलाइन तरीके से, और ओला से मैं बुक नहीं करूँगा। तो कह रहे हैं ठीक है, मैं ले चलूँगा आपको, और आपका वैसे 600 रुपये लगता है लेकिन मैं 500 में कर दूँगा। तो मैंने कहा चलो भैया ठीक है, आप मुझे नंबर दे दो, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना ताजमहल वगैरह मैंने घूमा, उसके बाद घूम घाम के मैं वापस जब होटल आया तो मैंने होटल वाले से पूछा कि भैया चार्ज कितना लगता है। तो 3-स्टार होटल था, तो वो लोग बोलते हैं कि भैया हम भी आपको छोड़ देंगे लेकिन हम 900 रुपये चार्ज करेंगे। तो मैंने बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। फिर मैं ओला पे चेक कर रहा था, तो ओला पे दिखा रहा है 182 रुपीज़ एयरपोर्ट के मेरे होटल से। तो मैं समझ गया कि वो भैया, वो बंदा भी जो अच्छे से बात कर रहा था, वो भी स्कैम कर रहा है। तो इतनी देर में मैं देख ही रहा हूँ, उसका फ़ोन आया कि क्या हुआ भैया, आप चल नहीं रहे, आपका यहाँ फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मैंने कहा नहीं, ऑनलाइन तो इतना दिखा रहा है, आप कम ले लो थोड़े। तो कह रहे नहीं हो पाएगा, फ़ोन काट दिया। फिर मैंने ओला से ही बुक किया, फिर एयरपोर्ट वाला मतलब एयरपोर्ट तक मुझे लेके गए जो दूसरी कैब आई। फिर रास्ते में बात करते करते जब हम जा रहे थे तो भैया ने बताया कि ये एयरपोर्ट अलग है थोड़ा सा, यहाँ पे ये नहीं बताया कि आर्मी का एयरपोर्ट है, वो मेरी गलती है, मुझे सर्च भी करना चाहिए था पहले। तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपकी कैब वगैरह जो है ये एंट्री तक नहीं जाती है, एक गेट है बड़ा सा जो मैंने दिखाया भी था क्लिप में, और उसके बाद फिर एक बस आती है, वो मतलब सरकार की तरफ से ही रहती है, उसमें कुछ इंडिगो के एम्प्लॉयज़ रहेंगे, पुलिसकर्मी रहेंगे, वो आपका टिकट वगैरह चेक करेंगे कि आप सच में फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद फिर आपको लेके जाते हैं। जैसे ही मैंने कैमरा नीचे किया, मैं ऐसे करके यूँ शूट करा था, जैसे ही मैंने यूँ कैमरा नीचे किया, पीछे जो बस खड़ी थी उसके अंदर 4-5 लोग थे, मतलब पुलिसकर्मी भी थे और बाकी इंडिगो के स्टाफ भी थे, सब लोग ऐसे करके मुझे बुलाने लगे कि ये क्या कर रहे हो गुस्से वाली नज़र से। तो मुझे लगा कि कुछ गलत तो मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने फिर गया वहाँ पे, मैं गेट वेट खोला, तो जैसे मैंने गेट खोला, कह रही ये क्या, मैंने कहा ये तो कैमरा है। जैसे मैंने बोला, उन्होंने कैमरा ले लिया मेरा। एक पुलिसकर्मी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, उसके बाद फिर इंडिगो वाले स्टाफ भी थे, तो उन्होंने मतलब कह रहे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये प्रोहिबिटेड है यहाँ पे सब करना। तो मतलब थोड़ा मैंने शांत करने की कोशिश किया, पुलिस और जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने अपने उससे वॉकी टॉकी से फ़ोन करके उससे और 2-3 लोगों को बुला लिया। एक कोई और थे, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि नहीं उनकी हायरिंग हुई है, जवान से लग रहे थे काफ़ी। बोलते हैं कि अरे सर ये तो वो है जो ट्रैफिक वाले लगाते हैं ना यहाँ पे चालान काटने के लिए, या फिर वो हेलमेट पे के ऊपर लग जाता है वो है। तो ना एक दूसरी फ्लाइट थी बैंगलोर की, उसका टाइम हो गया तो बस में और लोग आ गए, वो उसमें बैठ गए। तो उसके बाद फिर ऐसी बात चली थी, मुझे पीछे कोने की तरफ कर दिया, मतलब मैं वहाँ उनके इंडिगो के 2-3 स्टाफ थे और 2-3 पुलिस वाले थे उनके साथ मैं था वहाँ पे। तो फिर बाकी जो और लोग आए थे वो कह रहे थे अरे यार ये कैमरा तो बहुत महंगा आता है, इससे मतलब ऐसे शूट होता है। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। फिर मेरा पूछा, मतलब डिटेल में पूछा क्या करने आए हो, यहाँ पे क्या करते हो, पापा क्या करते हैं, सब कुछ पूछा। उसके बाद फिर बस जो है अंदर चली गई, और बस का चार्ज जो है वो 50 रुपये जाता है।
उसके बाद फिर बस अंदर चली गई, बाकी सब लोग उतर गए। उसके बाद फिर मतलब एक दो पुलिस ऑफिसर मेरे साथ ही थे और इंडिगो वाले भी वहीं पे थे, तो कह रहे बताओ तुम्हारा क्या करा जाए। तो फिर मैंने कहा कि सर देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं चैनल भी खोल के दिखाया। तो फिर लास्ट में आते आते तक ना उनका था कि चलो ठीक है तुम जाओ, तो कैमरा भी दे दिया, उसके अलावा हंस के बात भी किया, उसके अलावा नाम वगैरह अपना बताया थे, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं आगरा का ही हूँ, और चैनल सब्सक्राइब भी। जैसे गेट ओपन हुआ तो वहाँ साफ पता चल रहा था कि वो नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं है, वो मतलब एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे, मतलब वीडियो में तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन हाँ दिख रहा था कि यहाँ अलाउड करना मतलब वीडियो अलाउड हो ही नहीं सकती और ना ही करनी चाहिए, देश का सवाल है। उसके बाद ना फिर भैया ने जैसे मुझे छोड़ा, उसके बाद एंट्री करने के बाद ही जैसे मैं अंदर गया तो इंडिगो की फ़्लाइट उड़ती है, वहाँ से 3-4 फ्लाइट हैं बैंगलोर और लखनऊ वगैरह के लिए। तो उसके बाद फिर मैं अंदर गया, मैंने इंडिगो के स्टाफ खड़े थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग, सो क्या क्या इसमें प्रोसीजर रहता है। तो उन्होंने मेरे को पूरा बता दिया और बहुत अच्छे से कह रहे हैं आपका चेक इन वगैरह कर लिया आपने, कहा हाँ सब कर लिया और एक ही बैग था मेरे पास, तो कह रहे हैं ठीक है आपका लगेज का भी कुछ नहीं, वेब चेक इन भी हो गया, तो सीधे आप सिक्योरिटी से कर लीजिए, फिर आगे जाके वहाँ बैठ जाइएगा। तो सिक्योरिटी किया मैंने, बेल्ट वेल्ट उन्होंने उतरवाया, बेल्ट जूते वगैरह जो थे वो उतरवा, उसके अंदर मैं वहाँ पर बैठा। फिर भाई फ्लाइट आई, अब फ्लाइट आने के बाद मतलब आज तक जो पिक्चर में देखते आते हैं या मतलब यूट्यूब वगैरह पर जो वीडियो देखी है उसमें फ़्लाइट होती है काफ़ी बड़ी, तो वो ऐसा लग रहा था लिटरली मतलब मुझे पता नहीं और मतलब जो एविएशन सेक्टर के उन्हें पता होगा, देख के भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे एयरप्लेन आता है ना खिलौने वाला जो मतलब बच्चे उड़ाते हैं, उसको बस शक्ल लगा बुम बुम वाली पेंसिल से बड़ा करके कर दिया, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाँ वैसे ही लग रहा था। तो उसमें फिर हम बैठे भाई, बहुत छोटा था मतलब 50-60 लोग की जो है जगह होगी। उसके बाद भाई अनाउंसमेंट वगैरह हुए, उसके बाद फिर 20-30 की स्पीड पे उसने चलना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा सही है यार ये तो 20-30 की स्पीड पे चलेगा, उसके बाद फिर ऐसे उड़ जाएगा फिर ऐसे लैंड हो जाएगा, सही है इसमें क्या दिक्कत है। फिर भाई पता चला 20-30 की स्पीड पे हल्के हल्के चल रहा है, फिर उसने ऐसे घुमा दिया जैसे कार घूमती है, फिर यूँ घुमा दिया, फिर जाके एक जगह रुक गया वो। उसके बाद तब पता चला कि मतलब वो रनवे एक ही रहता है, मैंने देखा भाई मतलब ऐसे स्टेबल है, स्टेबल होने के बाद बेल्ट लगा रखी है, उसने भाई जो यूँ ऐसे किया है 100-150 की स्पीड थी, तेज़ प्रेशर करा, उसके बाद उड़ाया भाई। जैसे ही वो उड़ा, उड़ने के साथ ही भाई जैसे वो झूला होता है ऐसे करके कि गिर जाएगा ये, ऐसे हिसाब से हो गया, इतनी देर में अनाउंसमेंट ही हो गया कि मौसम ख़राब होने की वजह से आपका फ़्लाइट का जो है बेल्ट वेल्ट मत खोलो, पता नहीं क्या, फिर कभी ऐसे हो रहा है कभी ऐसे हो रहा है। फिर उसके बाद थोड़ा हवा में जाके थोड़ी देर स्टेबल हुआ, फिर वो अनाउंसमेंट हो गया कि बेल्ट अभी मत खोलो, और उसी के बीच में फिर क्या हुआ, वो थोड़ी देर के लिए बेल्ट खुलवाया था, तो फिर कैबिन क्रू आई, कहती है कि सर यू हैव अ प्री बुक मील, तो मैंने कहा मैंने तो कुछ बुक नहीं किया, तो कह रही नहीं सर आपने किया होगा आपको पता नहीं है। तो उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें एक डिब्बा था मतलब जैसे वो होता है ना टीन जैसा डिब्बा था, और उसके अंदर काजू थे और एक कोल्ड कॉफ़ी थी, तो मैंने वो रख लिया। फिर जहाज़ थोड़ा अपना चल रहा था, इतनी देर में अनाउंसमेंट होता है कि लखनऊ पहुँचने वाले हैं, कहा चलो सही है यार पहुँच जाएंगे लखनऊ सही सलामत। उसके बाद जैसे ही लखनऊ मतलब दिख रहा है कि हाँ नीचे बिल्डिंग वगैरह हैं, और फिर वो फ्लाइट चल रही है, और चलते चलते उसने भाई ऐसे यूँ कट मार दिया, ऐसे बाइक का कट मारते हैं ना कट ऐसे मार दिया, और कट मारने के बाद पूरा ऐसे जहाज़ टेढ़ा हो गया ऐसे करके यूँ जा रहा है। तो अब लगा कि भैया आप तो गए, उसके बाद वो सीधा हो ही नहीं रहा, मतलब 3-4 मिनट तक वो ऐसे यूँ होता गया, उसके बाद जाके फिर सीधा हुआ। फिर जब लैंडिंग हुई तो मतलब पहिए वहीए नीचे आते हैं तो झटका लगा, लेकिन हाँ फिर पहुँच गए। तो फिर बाद में खान सर का वीडियो देखा क्या होता है, तो पता चला कि ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये रहा पूरा एक्सपीरियंस। हाँ ये जो फ़्लाइट का टिकट मुझे पड़ा भाई, ये पड़ा केवल 360 रुपये का, क्योंकि इसमें क्या है कि मैंने सिंपली क्लिक का जो SBI का एक क्रेडिट कार्ड आता है, मॉल में आप किसी मॉल में जाएंगे ना चाहे जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर सिविल स्कोर अच्छा है लोन वोन ऐसा कुछ नहीं लिया, मॉल में जाओ वहाँ पे अपना पैन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाने के बाद वहाँ पे सिंपली क्लिक का कार्ड आता है, 500 रुपये की फ़ीस है एक साल की, लेकिन जैसे कार्ड लोगे तो उसके बाद अमेज़ॉन का वाउचर आ जाएगा, तो पहले साल के लिए फ्री। 100,000 रुपये स्पेंड कर लोगे तो 2,000 रुपये का क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलेगा, और 2,00,000 कर लोगे तो 2,000 रुपये का फिर से मिलेगा। तो मैंने स्पेंड कर लिया था तो मुझे 4,000 रुपये का वाउचर मिल गए, और ये फ्लाइट का टिकट जो था शायद 2,360 रुपये का पड़ा, 2,000 का मैंने लगा दिया, 360 रुपये मैंने पे कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस पहली बार फ्लाइट में बैठने का, और आई होप कि जो ये सब वीडियो देख रहे हैं आधे लोग तो हो सकता है बैठ चुके होंगे, तो बोल लो अरे क्या बता रहा है पहली बार फ्लाइट में बैठने का। कुछ ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो जिनका सपना होगा कि मैं फ्लाइट में कभी बैठ पाऊँ या मम्मी पापा को बैठ के मैं घुमा पाऊँ अपने पैसों से, तो सबके सपने अलग अलग होते हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो करते हैं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने सपने पूरे करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। गुड बाय एंड sayonara. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me newbie, I can truly be moody. बैठने के पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है जो कि मैं पोस्ट क्रेडिट सीन में डालने का ये वाली क्लिप को ट्राई करूंगा।
वो ये है कि जैसे हम सब जितने मिडिल क्लास लोग हैं ना, आपने देखा होगा बचपन में छोटे बच्चे होते हैं तो फ्लाइट उड़ के जाती है ऊपर से, तो कैसे छत पे देखते हैं। और फ्लाइट से जो हेलीकॉप्टर आता है जो कि थोड़ा नीचे होता है, आवाज़ बहुत तेज़ आती है उसकी, पूरे मोहल्ले में गूंजता है। और ख़ासतौर पर तब जब कोई बड़ा नेता आता है ना बड़े वाले पार्क में, जो बड़ा पार्क होता है जो पूरा सजाया होता है उनके लिए, उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती है, पूरा हेलीकॉप्टर दिखता है, लगता है यार ये कितना बड़ा होगा, ऐसे सोचते हैं हम लोग। तो मेरे साथ भी वैसे ही रहा, उसके बाद फिर कभी फ्लाइट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं आज तक की फ़्लाइट में ऐसे। फिर ये आगरा की ट्रिप शुरू करने से पहले मेरे पास वाउचर भी था एक और जो अभी बचा हुआ है, तो मैंने घर पर बोला, मैंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे मतलब सोच रहा हूँ मैं, आप लोग चलते हो मम्मी पापा से? तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, बहुत कन्विंस करने के बाद भी, नहीं कि फ़्लाइट वगैरह में सेफ़ नहीं है, फ़्लाइट का ये ट्रेन बेस्ट है, उस पर कम से कम चैन तो खींच लो, ये भी बोल दिया। तो फिर मैंने कन्विंस किया, फ्यूचर में भी कन्विंस करते रहेंगे। तभी मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा अपने सपने पूरे करने कुछ तो सोचो यार, जॉब वॉब जो भी कर रहे हो कुछ ना कुछ एक तो चीज़ें होंगी ना जो आप करना चाहते हो, तो उसको हमेशा ट्राई करते रहो, आज नहीं तो कल थोड़ा बहुत तो ज़रूर हो जाएगा। जब थोड़ा बहुत हो जाएगा उससे और उम्मीद आएगी तो पूरा भी हो जाएगा।